माध्यमिक एवं बालिका उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर डी के बच्चों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर किया पद संचलन। माध्यमिक एवं बालिका उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर डीग में पराक्रम दिवस और सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। विद्यालय में पूर्व फौजी सुगन चंद गुप्ता ने मां सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सुगन चंद जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने दिए बलिदान के बारे में बताया। वहीं विद्यालय के आचार्य कंचन अग्रवाल ने बताया कि नेताजी ने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर अपना पूरा जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया था। आचार्य बबीता ने नेताजी के ऊपर एक प्रसंग सुनाया और उनके नेतृत्व के बारे में बताया। प्रधानाचार्य राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी नेता थे और बहुत बहादुर थे। इस अवसर पर बालिका डीग में सुगन चंद और मिथिलेश जैन ने माध्यमिक विद्यालय में कैप्टन बच्चू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर संचलन का प्रारंभ किया, जिसमें लगभग 500 विद्यार्थियों ने अनेक उद्घोष लगाए। संचलन घंटाघर, नई सड़क, गणेश मंदिर आदि स्थानों से होते हुए विद्यालय में आकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर बालिका डीग विद्यालय के व्यवस्थापक मिथिलेश जैन, प्रधानाचार्य राजेश कुमार शर्मा, माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य उदय सिंह और कैप्टन बच्चू सिंह, व्यवस्थापक राकेश खंडेलवाल, एडवोकेट योगेश्वरी आदि लोग उपस्थित रहे। पराक्रम दिवस पर विद्यार्थियों द्वारा पथ संचलन 23 जनवरी को माध्यमिक तथा बालिका आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थियों द्वारा सुभाष चंद्र बोस जयंती पर पथ संचलन का आयोजन किया गया। सभी विद्यार्थियों द्वारा सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख उद्घोषों का उद्बोधन करते हुए कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। डीग में घंटाघर, नई सड़क, गणेश मंदिर, लक्ष्मण मंदिर होते हुए माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में डीग संचलन का समापन किया गया। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयदीप उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।